आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और अभी तक हम पुराने वीडियोस में 2021 का राशिफल देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अंक ज्योतिष के आधार पर अलग अलग मूलांक के लोगों के साथ क्या घटनाएं घट सकती हैं। हम जानेंगे व्यापारियों के लिए कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए कैसा रहेगा, सलाहकारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और प्रेमियों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला नया साल अंक ज्योतिष के हिसाब से। 2021 का अगर टोटल करें तो हमें अंक जो मिलता है वो है 5। अंक 5 का संबंध है बुध ग्रह से। तो देखा जाए तो पूरे साल बुध का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा सभी क्षेत्रों में। 2020 में राहु के प्रभाव के कारण पूरा साल रहस्यमय तरीके से बीत गया है और इसके प्रभाव हमेशा ही लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। परंतु 2021 में हम बहुत हद तक काफ़ी सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे सभी क्षेत्रों में। अंक पाँच का जो ग्रह स्वामी है वो है बुध और ये ग्रहों में सबसे ज़्यादा चंचल माने जाते हैं। अतः बुध के प्रभाव के कारण बाजार में बहुत तेजी मंदी देखने को मिलेगी। देखा जाए तो बाजार में रौनक देखने को मिलेगी पिछले साल की अपेक्षा। सरकार नई नीतियों को लॉन्च करेंगी। व्यापारी वर्ग भी बहुत बड़े बदलाव अपने व्यापार को लेकर करेंगे। कुछ नए व्यापार अस्तित्व में आएंगे। शिक्षक वर्ग, चिकित्सक, वक्ता, व्यापारी वर्ग, सलाहकारों के लिए नया साल 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। राजनीति में वे लोग ज़्यादा सफल दिखाई देंगे जिनके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है और जो अच्छे वक्ता भी हैं। मौसम की बात करें तो नए साल में मौसम में भी तीव्र बदलाव समय समय पर देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं विभिन्न मूलांक के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2021। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक एक वालों का। मूलांक एक वाले लोगों पर सूर्य का असर रहता है जिसके कारण ऐसे लोग नेतृत्व क्षमता रखते हैं, दूसरों को भी मार्गदर्शन देना खूब जानते हैं, अपनी विद्वता के कारण जाने जाते हैं। नए साल 2021 में मूलांक एक वाले लोगों को काफ़ी उन्नति के मौके मिलेंगे। अंक एक और पाँच के मिलने से सूर्य और बुध का साथ होगा जिससे बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। यह एक राजयोग के अंतर्गत आता है। इसका फायदा अंक एक वाले लोगों को अपने जीवन में पूरा पूरा दिखाई देगा। इस साल में आप अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग कर पाएंगे और समाज में एक नया स्थान प्राप्त कर पाएंगे। अगर लंबे समय से आप किसी कर्जे से परेशान हैं तो इस साल आप उससे निकल पाएंगे क्योंकि आपके आय के स्रोत भी खुलेंगे। अगर आप किसी बीमारी से परेशान रहे हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिलेगी परंतु कई जगह पर समझौते भी करने पड़ेंगे। जो मूलांक एक वाले राजनीति में हैं, चिकित्सा क्षेत्र में हैं, मार्केटिंग क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए आने वाला नया साल बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो निश्चित ही आपको मिलेगा। यह भी संभव है कि आपके जीवन में से अगर कोई जा चुके हैं तो वो भी वापस आ जाए। जिनके जीवन में पहले से ही कोई है उनके साथ एक परेशानी ये आ सकती है कि काम काज में व्यस्तता बढ़ने के कारण आप अपने प्रेमी के साथ कुछ कम समय बिता पाएं। कुल मिला के देखें तो अंक एक वालों के लिए नया साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कामकाजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रेम जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक रूप से बदलने वाला है। मान सम्मान के योग बनेंगे, व्यस्तता बढ़ेगी, धन वैभव बढ़ेगा। अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो ऐसे में आप कुछ समस्याओं से गुजर सकते हैं। अतः अपनी कुंडली जरूर ज्योतिष को दिखाएं ताकि सही उपाय का उपयोग करके आप अपने नए साल का भरपूर फायदा उठा पाएं। आइए अब जानते हैं मूलांक दो वालों के लिए 2021 अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहने वाला है। अंक दो का संबंध चंद्रमा से है और मन का ये कारक होता है। अतः देखा जाए तो मूलांक दो वाले लोगों के अंदर चंचलता बढ़ जाएगी या यूं कहें कि ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप नए सपने देखेंगे अपने जीवन को और अच्छी तरह से जीने के लिए। आप नई नई नीतियों को बनाने में अपना समय ज़्यादा लगा सकते हैं। कई बार आप जल्दी में भी बहुत कुछ प्राप्त करने के चक्कर में बहुत कुछ गंवा भी सकते हैं। अतः आपको 2021 में अपने भावनाओं पर नियंत्रण भी रखना होगा।
इस साल आपके यात्राओं के योग भी बहुत बनेंगे अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो। घर से ज़्यादा आप कामकाज को बढ़ाने के लिए बाहर रहेंगे, जिससे हो सकता है कि पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो। अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं लव लाइफ में तो आपको इस साल मिलेंगे तो बहुत, परंतु आप उनमें से सही साथी को चुनने में उलझ सकते हैं। आपको निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है और ये भी हो सकता है कि अगर आप जल्दी में कोई निर्णय ले लें तो आप धोखा भी खा जाएं। अतः आपके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी में कोई भी निर्णय ना लें। अगर आपका मूलांक 2 है और आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, नीति बनाने में जुड़े हैं, प्लानिंग्स वगैरह के साथ जुड़े हैं, तो आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। इस साल आपको मनोरंजन के साधन भी बहुत प्राप्त होंगे। अतः अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अन्यथा आप अपना बहुत समय बर्बाद कर सकते हैं और लक्ष्य भटक भी सकते हैं। अंक 2 वाले अगर विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो इस साल आपका सपना पूरा हो सकता है। किसी से भी शारीरिक संबंध बनाते समय आपको पूरा ख्याल रखना होगा, अन्यथा आप गुप्त रोगों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो नया साल 2021 मूलांक 2 वाले लोगों के लिए हर प्रकार के मौके ला रहा है। मनोरंजन के मौके देगा, लव लाइफ का आनंद लेने के मौके देगा, कामकाज को बढ़ाने के मौके देगा। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन में किस लक्ष्य को महत्व देते हैं, उसके हिसाब से आप अपने जीवन को नए साल में बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ही सही निर्णय लेके अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाएंगे। परंतु अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हो तो ऐसे में आप कल्पना में ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और अपने नीतियों को क्रियान्वित करने में देर कर लेंगे। अतः ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा के सही उपायों को जरूर अपनाएं ताकि आप अपने नए साल का पूरा पूरा लाभ ले पाएं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अंक 1 और अंक 2 वाले लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है 2021 में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के अंकों की बात करेंगे। इसकी पूरी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हिंदी और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए ओके।